नमस्कार, खेल जगत की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित और आइए आप खबरों को देखते हैं विस्तार से। देश की हॉकी टीम शुक्रवार को 36वीं हीरो चैंपियंस ट्रॉफी के अंतिम मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मैच गवा बैठी। खिताबी जीत का फैसला करने वाले शूटआउट में भारत के 3 बार चूकने के कारण उसके खाते में रजत पदक आया। इस निर्णायक शूटआउट में भारत विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से फाइनल मैच 1-3 के अंतर से हार गया। रूस की एथलेटिक्स टीम रियो ओलंपिक में भाग नहीं ले सकेगी। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ ने रूस की ट्रैक और फील्ड टीम पर रियो डी जेनेरियो ओलंपिक खेलों के लिए अपने प्रतिबंध को कायम रखा है। रूस के खेल मंत्री ने कहा है कि उन्हें ट्रैक एवं फील्ड की संचालन संस्था का फैसला मिल चुका है, जिसमें कहा गया है कि देश ने प्रतिबंध हटाने के लिए कुछ नहीं किया। रूसी मंत्री ने कहा कि वह ओलंपिक खेलों से पूरी टीम के प्रतिबंध के इस फैसले से काफी निराश है। उन पर यह निलंबन पिछले साल नवंबर में लगा था। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद टीम इंडिया अब 3 20-20 मैचों की सीरीज के लिए तैयार है। वनडे सीरीज के बाद अब धोनी का लक्ष्य इस सीरीज में भी क्लीन स्वीप का है। क्लीन स्वीप करने के साथ ही टीम इंडिया एक बार फिर T20 में नंबर वन टीम बन जाएगी। जब दाव पर नंबर वन का ताज हो तो जीत के मायने और बड़े हो जाते हैं। धोनी के लिए भी अब जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज सिर्फ सीरीज भर नहीं है। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अब मुंबई में 34 करोड़ का लग्जरी फ्लैट अपार्टमेंट खरीदा है। कोहली ने ये फ्लैट वर्ली में ओमकार 1973 में खरीदा है। सी व्यू वाले इस अपार्टमेंट फ्लैट के 35वें फ्लोर पर कोहली ने अपना आशियाना बुक कराया है। विराट का ये घर 7171 स्क्वायर फीट का है। खबरों की माने तो कोहली काफी समय से मुंबई में ओपन व्यू वाला बंगला लेना चाहते थे। ब्राजील में जन्मे स्ट्राइकर इडर ने लचक प्रदर्शन से वापसी करते हुए अंत में विजयी गोल दागकर इटली को स्वीडन पर 1-0 से जीत दिलाई, जिससे अजूरी की टीम यूरो 2016 के अंतिम 16 में प्रवेश करने में सफल रही। इडर इटली के लिए अपना पहला बड़ा फाइनल खेल रहे हैं। उन्होंने 88 मिनट में सिमोन जाजा के हेडर पर दौड़ते हुए शॉट लगाकर शानदार गोल किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। 5-10 नहीं, सिर्फ 100% बेटअप को कहते हैं बेस्ट। नया डेटॉल गोल्ड, इसका एडवांस्ड फॉर्मूला आम एंटीबैक्टीरियल साबुन के मुकाबले में दे 100% बेटर प्रोटेक्शन, यानी बेस्ट प्रोटेक्शन। मैं मानू सिर्फ डेटॉल का धुला। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश।